हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 में। तो गाइस, बेसिकली आज मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, बस आपको मैं ये पूरा टूर देने वाला हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये तो 3 फ्लोर का मैंने बनाया है और मोस्ट ऑफ वुड ही यूज़ किया मैंने, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड एक फार्म बनाया है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे लीवर को दबाने से ऊपर से डिस्पेंसर में से पानी आता है और सारी फसल यहाँ हॉपर में कलेक्ट होके चेस्ट में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूँ पोटैटो बहुत सारे, क्योंकि विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए मैंने बनाए हैं। विलेजर्स यहाँ पे ऊपर है, बाद में दिखाता हूँ। तो ये आने जाने का रास्ता है, फसल लगाने के लिए काम आता है, इसलिए बनाया हुआ है ये डोर। और यहाँ पे है हमारा थोड़ा सा स्टोरेज रूम, मतलब क्योंकि मैंने ये बेस पूरा अंडरग्राउंड बनाया है और यहाँ पे पूरा कोबलस्टोन ही कोबलस्टोन था, इसलिए इसमें कोबलस्टोन वगैरह और इसमें अच्छे अच्छे मतलब स्टोन, ये जो भी है स्टोन ब्रिक वगैरह, ये सब यहाँ पे रखे हैं। पिछले चेस्ट में कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है और चारों ओर ये फर्नेस लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं खास कुछ करता नहीं हूँ, बस ये स्टोन वगैरह का ही थोड़ा बहुत करता हूँ, बाकी फर्नेस तो ऊपर लगाए हैं मैंने जिसका यूज़ मैं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नेदर पोर्टल जाने के लिए है। और यहाँ पे शुगर कैन लगा है, क्योंकि अभी तक मैंने वो नहीं बनाया, शुगर कैन फार्म नहीं बनाया और जल्द ही मैं बनाने वाला हूँ। बस जगह वगैरह मैंने देख ली है, कहाँ बनाना है, तो जल्दी उसका वीडियो आएगा। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 2 रास्ते, एक ये है और ये है। उससे पहले ये रूम दिखा दूँ, और इस रूम में खास कुछ नहीं है, बस यूं ही मैंने बना रखा है, बेसिकली ये बेडरूम की तरह है। यहाँ पे 2 क्राफ्टिंग टेबल है और 2 बेड रखा दे तो मतलब रख दिए हैं, और इस साइड लगा दिए दोनों साइड ट्रैप डोर, और ऊपर से पानी का फ्लो वाटर बकेट से ये पानी का फ्लो कर दिया है। और इसका कुछ यूज़ नहीं है, बस अच्छा लगा तो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ से ऊपर चलते हो तो सबसे पहले हमारा ये है स्टोरेज रूम। यहाँ पे 4 क्राफ्टिंग टेबल रखी हुई है और 4 ट्रैप डोर रखे है, कोई यूज़ नहीं है, बस अच्छे लग रहे थे रख दिए। चारों साइड चेस्ट ही चेस्ट है, ये आयरन और गोल्ड है, इसमें पड़ा हुआ कोबल स्टोन, ये इसमें स्टोन वगैरह ही है, और इसमें फूड का सारा और इसमें वुड है। ओके, यहाँ से मैं नेदर के सारे सामान रखता हूँ, इसमें जो चीज़ें होती वो, बट इसमें सब कुछ है, डायमंड एमरल वगैरह इधर मेरा रहता है। ओके, तो ये मेरा पूरा का पूरा चेस्ट रूम है इतना। ओके, तो चेस्ट रूम है और इस साइड चलते हैं। अभी यहाँ कुछ बनाया नहीं है, अभी आगे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है इसलिए, क्योंकि इस साइड में देख रहा था शुगर कैन फार्म के लिए, इस साइड मतलब चल रहा है। ओके, तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाया है ये, और कि यहाँ चेस्ट में थोड़ा वूल वगैरह और लेदर पड़ा है, क्योंकि वूल मुझे बहुत चाहिए, मैं इसे वूल काटता हूँ। ओके, तो ये मैंने काऊ इसलिए रखी क्योंकि मुझे वो चाहिए लेदर, हाँ लेदर ही है ना, हाँ लेदर। ओके, तो ये चाहिए क्योंकि मुझे कितना पता है, शायद 300 लेदर चाहिए, बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक रूम बनाना है, लेकिन अभी प्लानिंग चल रहा है क्या बनाऊँ क्या नहीं। ओके, तो इतना ही था ये फर्स्ट वाले फ्लोर पे, अब चलते हैं ऊपर। ओके, तो ऊपर सबसे पहले आप आते हो और सामने दिखता है लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है एंचेंटमेंट टेबल, और इस साइड एक एनविल पड़ा है, एक क्राफ्टिंग टेबल पड़ी है, और एक साइड एक चेस्ट है। ओके, ये मैंने क्यों रखी, शायद इसका कुछ एंचेंट करना था मुझे। अच्छा, Fortune 2-1 है, हाँ Fortune 3 नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था। ओके, कोई बात नहीं, बाद में इसे देख लेंगे। तो ये मैंने लाइब्रेरी बना रखी है, इतनी सी है बस, ऊपर लाइटें वाइटें लगा रखी है, स्टोन ब्रिक का यूज़ किया है चारों ओर, और वुड का यूज़ किया है मैंने ज़्यादातर, और यहाँ पे कुछ डोर वगैरह लगाया नहीं, बस यूँ ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरा और एक फार्म की प्लानिंग चल रही है, जो कि होगा पम्पकिन, कैक्टस, और क्या होता है, कुछ होता है ना, ऊपर है कुछ नहीं, बस कुछ बनाने वाला हूँ, अभी कुछ नहीं है, मतलब कुछ आगे बनाऊँगा। ओके, तो ये है हमारा विलेजर रूम, ठीक है।
लीवर को दबाओगे तो ये वो होता है ना स्टिकी पिस्टन, उसी से ये बना है। और कहाँ गया ये रहा, और ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का है, वो ये वो है नेदर में जो रेड कलर का वुड, हाँ ये वुड है, रेड कलर का वुड है, जो कि ग्रीन और रेड दो कलर के वुड आपको नेदर में मिल जाते हैं। ये वही लगाया, ग्रीन भी अच्छा लग रहा था लेकिन नहीं लगा। ओके, तो ये हमारा विलेजर रूम है, यहाँ पे एक रूम ये और एक रूम ये। इसमें ज़्यादातर मैंने रख ही दिए हैं, देखो इनकी जॉब ज़्यादातर तो आ ही चुके हैं, शायद एक दो छूट रहे होंगे तो मुझे पता नहीं है। ओके, तो यहाँ भी देखो सब सबको जॉब मिली हुई है। यहाँ पे मैंने दो फार्मर रखे हैं, जो कि अब देखो ये फसल है ना वो ले नहीं रहे क्योंकि इसके पास बहुत हो चुकी है, इसलिए अब ये उठा नहीं रहे। और ये एक अभी मैंने ब्रीविंग स्टैंड बनाया इसलिए बाहर ही रख दिया, अंदर इतनी जगह नहीं थी। ओके, तो ये एक रूम है लाइब्रेरी रूम, इसे इस विलेजर को होता है मतलब जो लाइब्रेरियन होते हैं उसे मैं बाहर नहीं आने दे रहा क्योंकि जब भी मुझे बुक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ आ जाता हूँ। ओके, इस पे नहीं है, मेंडिंग वाला कौन सा है, शायद ये है, हाँ ये रहा। देखो 10 एमरल और एक बुक में मुझे ये मेंडिंग दे रहा है, और एक आध एफिशिएंसी भी दे रहा है, कुछ था तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया क्योंकि बाहर आ जाएंगे तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस ये विलेजर हाउस बनाया है, थोड़ा बहुत आगे चेंज करेंगे, कुछ देखते हैं। ओके, तो इतना था इस विलेज हाउस में, और ये मैंने इसलिए लगाया था कि विलेजर बाहर ना आ जाए। ओके, तो इस साइड कुछ नहीं आगे, और यहाँ पे मैंने ये पानी का फ्लो कर थोड़ा इस साइड आ जाए। ओके, यहाँ पे ट्रैप डोर लगा के सामने से वाटर बकेट डाली तो पानी का फ्लो हो गया, बस यूँ ही लगा दिया, कोई यूज़ वगैरह तो इसका भी नहीं, बस लुक अच्छी आ जाए। ओके, तो इतना कंप्लीट हो चुका, अब मैं चलता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो कुछ बनाया नहीं है, ये अच्छा भी नहीं लग रहा, हाँ लेकिन कुछ देखते हैं अच्छा बनेगा तब। तो ये एक चेस्ट है, ओके, तो इसमें सारा का सारा वुड रखा हुआ है और सैपलिंग वगैरह पड़ी है, क्राफ्टिंग टेबल एक पड़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो जगह बनाई है मैंने बहुत बड़ी, यहाँ पे मैं सारे के सारे पेड़ लगा देता हूँ, और मैंने जो घर में जितना भी वुड यूज़ करा है सारा का सारा मैं यहाँ से लाता हूँ। ओके, तो अब मुझे इतनी वुड की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये पेड़ लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 4 स्टैक तो वैसे भी ये पड़े हैं वुड, ओक लोग। ओके, तो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ माइनिंग के लिए, लेवल 11 पे, हाँ ओक हो गया। यहाँ पे लावा वावा बहुत होता है, और डायमंड के लिए भी जाता हूँ, बहुत सारी केव भी मिलती है। देखो एक ये रही केव जो कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की है, बाकी इस साइड और इस साइड ये सब माइनिंग के लिए मैं जाता हूँ। ओके, तो दिखाने के लिए ये एक चीज़ है, यहाँ पे मुझे मिला है एक स्केलेटन स्पॉनर। ओके, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में पता नहीं। ओके, तो ये स्केलेटन स्पॉनर है, अब मैंने क्या क्या आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपको नीचे जाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये कैसे बनाया, ये बनाने में भाई साहब बहुत मेहनत लगी है आपको बता दूं। तो इस साइड हाँ वो रहा, देखो स्केलेटन स्पॉनर है वहाँ पे, यहाँ खड़े हो जा भाई, हाँ। तो देखो जैसे स्केलेटन वहाँ से स्पॉन होते हैं तो पानी का फ्लो इस साइड है तो नीचे आ जाता है। यहाँ पे एक मैंने टनल बनाई है और सामने पानी रखा है, तो सामने से फ्लो होके सारे के सारे मतलब सारे के सारे स्केलेटन इस साइड आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे 3-4 स्केलेटन हो जाते हैं ना तो एक दूसरे को धक्का देते हो और यहाँ से ऊपर जाते हैं। ओके, तो नेदर में एक सोल सेंड करके आता है मटेरियल जिस पे नेदर क्वार्ट्स शायद हम उगा सकते हैं, हाँ। तो वो मैंने एक यहाँ नीचे लगा है जिसकी वजह से ये बुब्बाले होते हैं और जो स्केलेटन होते हैं वो इस साइड अंदर आते हैं ना तो ऊपर चले जाते हैं। देखो अब वो धक्का देगा ना तो ये भी चला गया, देखो। ओके, तो यहाँ फिर क्या होता है कि जो स्केलेटन है, रुको थोड़ा इसे मार दूँ। ओके, और इसमें सारा सामान आ जाता है इस हॉपर के थ्रू, आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। अब ये मैंने कितने है? शायद 22 ब्लॉक का बना है या 20 ब्लॉक का, जो भी बना है। तो वहाँ जो सामने है ना, निकाल दे भाई ये तो गलत लग गई। ओके, तो वहाँ पे बुब्बारे आते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैंने पानी का फ्लो थोड़ा इस साइड कर दिया ताकि इस वाली टर्नल में
स्केलेटन गिरे, बैठ जाऊं। ओके, तो यहाँ से सीधा नीचे जो हॉपर है वहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से गिरने के बाद इसकी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है, तो मेरे को बस सिर्फ एक ही हिट मारनी होती है और स्केलेटन मर जाते हैं। ओके, तो स्केलेटन यहाँ से गिरते हैं और मतलब उसकी हेल्थ बहुत कम रह जाती है, मुझे सिर्फ एक ही हिट मारनी होती है और वो मर जाते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा था बनाने को, इसलिए ये थोड़ा बहुत बनाया है। तो हाँ, स्केलेटन यहाँ पे नीचे सब गिरते हैं और मैं इसे मार देता हूँ। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे मैंने देखो सारी की सारी बोन रखी है, इससे बनती है बोन मिल जो कि पेड़ वगैरह बनाने में काम आती है। ओके, तो अब मैंने क्या किया था, विलेजर से जो 10 एमरल्ड में एक मेंडिंग की बुक जो दे रहा था ना, उससे मैंने बुक्स लेके देखो सब पे। ओके, एक्स पे नहीं है मेंडिंग, सोवल पे नहीं है, पिकेक्स पे है और स्वॉर्ड पे है, ठीक है, इस पे भी मैं लगा दूंगा। अब क्या करता हूँ, मैं इतनी सारी माइनिंग करता हूँ तो जब भी इसकी हेल्थ कम हो जाती है ना, तो देखो इस तरीके से इन्हें मारता हूँ और देखो रिपेयर होगी, स्वॉर्ड भी रिपेयर ही रहती है। ओके, तो ये एक यूज़ है, आगे जाके मैं एक्स पे भी और इस पे भी लगा दूँ ताकि मुझे बार बार डायमंड का यूज़ ना करना पड़े। और यहाँ पे सामान भी आता रहता है थोड़ा बहुत, इतना काम का नहीं होता लेकिन जो भी होता है काम का होता है। बस यहाँ पे इतना ही था, चलते हैं ऊपर। ओके, बाकी इससे तो कुछ नहीं है, मैं बस माइनिंग करते 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 पता नहीं कितना दूर, और इस साइड का भी इस साइड आगे भी बहुत डायमंड के लिए कोल के लिए सब कुछ चाहिए रहता है, इसलिए तो चलते हैं बेस में फिर से। ओके, तो हम हमारे बेस पे वापस आ चुके हैं। ओके, तो इतना ही था, यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े मतलब कहीं कहीं पर भी मतलब कहीं कहीं ये मैंने लगा दिए, अरे यार मैं नाम भूल गया इसका क्या था, जो भी है ये लगा दिए ताकि थोड़ी लुक बढ़िया हो जाए इसलिए, और ये भी लगा रखे हैं। बस इतना ही बेस था हमारा मेरा, और ये सब मैंने अंडरग्राउंड बनाया है, ऊपर नहीं है ये ज़मीन के। देखो ये मेरा लेवल देखो 28 है, इतना अंदर बनाया, मतलब बस थोड़ा मज़ा आता है इसलिए मैंने ये सब बनाया है। और आगे भी बहुत सारी मतलब सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड आएंगे जिस पे मैं ये अंडरग्राउंड जो मैंने बेस बनाया इस पे मैं काम करूँगा, क्योंकि शुगर कैन फार्म है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाने की सोच रहा हूँ। जो मैंने आपको ऊपर रूम बताए, स्केलेटन स्पॉनर के पास रूम दिखाए थे जहाँ पे मैंने कहा था कि अभी कुछ सोच रहा हूँ बनाने को, तो यहाँ भी कुछ बनाऊँगा, आगे बताऊँगा आपको सब कुछ। तो बस ये हमारा बेस था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।